Yeah, film though, usually I book my tickets through book my show. So. Book my ticket or ye is tarah ke online portal se aap shopping kar loge. फिर भी करेंसी होती है, करेंसी के जरिए चलो हम देखने चले जाते हैं फिल्म. अच्छा अच्छा, इस बार आप देखने जाओगे या कोई दूसरी फिल्म आप देखने जाओगे? वॉक ऑन टू आई एम नॉट रियली एक्साइटेड, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है करेंसी का, क्योंकि एनी वे जो भी नॉर्मल लोग हैं, जो भी एम्प्लॉयड लोग हैं, वो तो कार्ड या जो भी लीगल पैसे हैं ये बैंक चेंज कर रही है. आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास काला धन है उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है. Do you think फिल्म पर असर पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो. इफ इट इज़ अ गुड फिल्म पीपल आर एनी वे बुकिंग थ्रू ऑनलाइन, या और अगर आप काउंटर पर आगे बुक कर रहे हो उनके पास स्वाइप मशीन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डिनोमिनेशन कम हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी आप लोग मूवी कैसे देखने जाओगे? इसका रिएक्शन कर देना, ठीक है. डिनोमिनेशन कम हो चुके हैं, 500 और 1000 के जो डिनोमिनेशन वो कम हो चुके हैं, और आपको लगता है कि ये वीक आप मूवी देखने जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ वहीं पर मूवीज़ जैसा पूरा रॉक ऑन माहौल चला हुआ है. Then why we go to theaters, जब न्यूज चैनल पूरे रॉक ऑन बन चुके हैं. तो आपने विथड्रॉ कराया अभी कोई भी डिनोमिनेशन? नहीं नहीं, बिल्कुल ही, अभी मेरे को बहुत डर लग रहा है. 2000 का और 500 का दोनों के नोट अभी पहले कोई और करवाएगा, हमारी फितरत रहती है पहले कोई और ट्राई करे फिर हम करेंगे. यानी फिल्म अभी आप देखने का कोई प्लान नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है. सर आपका कोई प्लान है? ऑटो देने का किराया नहीं है, फिल्म देखने कौन जाएगा? बिल्कुल अभी बिल्कुल कोई ऐसा सोचा नहीं है फिल्म के बारे में. हाँ, उनकी बदकिस्मत ही है, लेकिन फरहान अख्तर बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्या है ना कि उसे भी नहीं पता था कुछ ऐसा होने वाला है देश में, तो वो भी क्या करता बेचारा. या डेफिनेटली, जैसे ही हल्का सा बनेगा माहौल तो सबसे पहले रॉक ऑन, रॉक ऑन भाई. थैंक यू भाई. आपको लगता है फिल्मों पर असर पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री पर? आई लाइक फ्रैंकली आई हाईली डाउट, बिकॉज द एटीएम कार्ड्स आर स्टिल ऑन, यू कैन स्वाइप इट इन एंड यू कैन डू इट. लाइक बुक माय टिकट, बुक माय टिकट, मूवीज पे क्या असर पड़ेगा? बुक माय टिकट, गो फॉर बुक माय टिकट एंड डू इट. We will mostly use the hundreds note, and we are mostly waiting for the new notes to come, like the 500 and 1000 or 2000 notes which are coming. We are waiting for that. When the note comes, then we will use it. तब तक फिल्म भी पुरानी हो जाएगी, तो आप देखने जाओगे रॉक ऑन टू? Yes, you will of course go. Do you think it will affect because of this 501? Yeah, it might affect. It might affect the collections. Yes. Scrap कर दिया है, फिर भी आप किस तरफ मूवी देखने जा रहे हैं लेटेस्ट? हाँ कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी जाना है देखना है. सो दैट्स नॉट द थिंग कि गवर्नमेंट इज मतलब कुछ रॉन्ग कर रही है या फिर कुछ गलत है, जो भी है सबको अपने अपने हिस्से एडजस्ट में करने रहती है बस. और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि फिल्मों पर अफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ना, फिल्मों से कोई अफेक्ट नहीं करता है, जो है अपने ऊपर रहता है, जो भी सीखना है नहीं सीखना वो अपने ऊपर रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता. ओके, डू यू थिंक मतलब कार्ड्स एंड ऑल से अभी ज्यादा यूज करेंगे लोग अभी? ऑब्वियस यार, इफ अभी सब कुछ जो भी है सब कुछ ये हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट परफेक्ट थिंग. सो इट्स ओके, या इट इज इजी. So you think that it won't affect this thing, this new decision of the government? No, no. Okay, thank you. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस कन्वर्सेशन में. हमारे गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी ने एक डिसीजन लिया स्क्रैप करने का, 500 और 1000 की नोट्स को, जो कि अगर वो स्क्रैप हो जाते हैं तो जो आम जनता होती है हार्डली चीज देखने शायद जाएगी. तो आपको क्या लगता है फिल्मों पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ा ही है सर, सिंस वी वर इनसाइड तो हमने देखा कि ओनली 40 पीपल वर देयर, बाकी सारी सीट्स खाली रखी हुई हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, स्मॉल वेंडर्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. हमारी तो ऑनलाइन बुकिंग थी, जो बंदे यहाँ पे 500 का चेंज लेकर आए थे उनके लिए बहुत टफ जा रहा था, बिकॉज चेंज है ही नहीं देने को इकोनॉमी में, तो आप लाओगे किधर से? नहीं, हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कराया था. वी डू हैव करेंसी, बट इट्स लाइक कि 500 ही है अभी, बाकी तो आप अपने कार्ड और पेटीएम और ये सारी चीज़ों के थ्रू काम कर रहे हो. बट जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या स्मॉल वेंडर्स हैं, जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है. लग्जरियस लाइफ स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. कितना
आई थिंक असर तो बड़ा है, डेफिनेटली इफेक्ट तो आया है, पूरी इकोनॉमी पे आया है, तो एंटरटेनमेंट पर भी आई है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ बदल गई ना. आज अगर आपके पास चेंज आप बैंक से ला रहे हैं 4,000 rupees ही आप विड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आप 4,000 में क्या क्या करना चाहेंगे. डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी होगी आपकी रूटीन लाइफ, एंटरटेनमेंट बहुत बाद में आता है. नहीं पड़ेगा, नॉर्मली फिल्मों को असर पड़ता है, वो ATM स्वाइप करके हम निकल सकते हैं टिकट. ऑनलाइन टिकट के वजह से इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ सकता. हाँ फिर भी असर तो पड़ सकता है. नहीं, नॉर्मल जो मिडिल क्लास पीपल है जो वो थोड़े चेंज कर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा को प्रीफर नहीं करते ज़्यादा मनी. लेकिन जो फर्स्ट क्लास वाले टिकट देते हैं वो नॉर्मली ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करते हैं. कहाँ से अच्छी लगी? अच्छा एक रिएक्शन, क्या जो गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप किया है, हाँ आपको लगता है फिल्मों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा यार, ब्लैक मनी का कितना उसमें झोल है, फैक्ट तो पड़ेगा. आम जनता के पास 500 के 1,000 के नोट नहीं है, टिकट खिड़की पर जब आ रहे हैं उनको चेंज नहीं मिल रहा, सब जुगाड़ हो रहा है मार्केट में. अब तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लोग 25% पे एक्सचेंज कर रहे हैं मनी. कुछ सोल्यूशन, कुछ कितना भी कुछ कर लो, कुछ सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का. आपको ऐसा लगता है फिल्म पर असर पड़ेगा? पड़ेगा हर एक बिजनेस पे, रॉक ऑन टू बिल्कुल रॉक ऑन टू. अच्छा वैसे टिकट खरीदने पे तो सब स्वाइप करवा रहे हैं यार, सब बुक माई शो पे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता. लेकिन जिसको देखे वो देखेगा यार, 500,000 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मनी का वैल्यू खत्म थोड़ी हुआ है. तो दैट्स नो पॉइंट, फिल्म जिसको देखे वो देखेगा. लेकिन हाँ अगर बिजनेस की बात करें, अगर इन्वेस्टर्स की बात करें, तो ब्लैक मनी एंड ऑल स्टफ फर्क तो पड़ता है.